500 के तौर पर लास्ट ईयर से बनाया था, उसका क्लीन इंडिया का फर्स्ट फेज शुरू हुआ था। इसमें हम नेहरू युवा केंद्र ने पूरे भारत में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं 633 पूरे भारत में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको एक टारगेट दिया गया था कि 170,000 तो हमारे J&K का टारगेट था, जो ऑलमोस्ट हमारे साथ जितनी भी एजेंसी थी उसमें नेहरू युवा केंद्र के साथ साथ NSS, NCC, भारत स्काउट एंड गाइड्स और ये जो हमारे PIB पार्टनर्स हैं, यूथ सर्विस बोर्ड्स हैं और जितने भी हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, उन सब से मिनिस्ट्री ने भी और हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन ने भी एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जितने भी चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सहयोग से हमें ये टारगेट पिछले साल कंप्लीट किया था। जितने भी सिंगल वेस्ट प्लास्टिक बैग हैं उनके एक चार्ट बना था कि पूरे महीने का पहले दिन हमने कौन कौन से आइकनिक प्लेसेस करनी है, सेकंड डे जैसे जम्मू में रिलीजियस प्लेस है, दूसरा ग्राउंड्स है और ऐसे एक पूरे जो हम आपको सबको देंगे कि फर्स्ट 30-31 दिन का कैलेंडर्स बना हुआ था। तो इस साल जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ था फर्स्ट अक्टूबर को हमारे जो मंत्री है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अनुराग ठाकुर, उन्होंने इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है आज, वहां से इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो मेरे पास ये दोनों स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मैं इनको देख रहा हूँ और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, DDs हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने यूथ क्लब के माध्यम से और महिला मंडल के माध्यम से और जितने भी हमारे पार्टनर जैसे मैंने अभी बताया NCC, NSS, भारत स्काउट एंड गाइड्स, यूथ सर्विस बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, हमारे जितने भी मेंटर्स यूथ क्लब हैं, महिला मंडल्स हैं और जितने भी सिविल सोसाइटीज़ के मेम्बर हैं, उनको लेके हमने ये जो सिंगल वेस्ट प्लास्टिक का है ये पिछले लास्ट ईयर एक महीने से पूरा कर दिया था और इस सब महीने भी हम 11 आज 14 तारीख है और 14 तारीख को भी हमने ऑलमोस्ट जो अपना टारगेट है वो हर ब्लॉक वाइज से हर ब्लॉक में 100 kg का एक महीने का कलेक्शंस का है कि सिंगल वेस्ट प्लास्टिक और भी जो जितना भी कूड़ा क्रिकेट है, लेकिन इसमें मेन जो हमारा रहता है कि प्लास्टिक का कलेक्शन करके उसको डिस्पोज ऑफ करने का, वो एक महीने से शुरू हुआ है। और मैंने आंकड़े भी दिए हैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक एक डिस्ट्रिक्ट में कितना हुआ है और कितना हमारा टारगेट था, उसमें कितना KG इशू हुआ और कितना रिमेनिंग है, क्योंकि यहाँ कश्मीर में नहीं लेकिन जम्मू में और हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में जो अक्टूबर में है हमारे हिंदू भाइयों के कुछ त्यौहार थे, पहले नवरात्राज थी, उसके बाद दशहरा था और उसके बाद इनकी दिवाली भी है, तो इसलिए कई जो उस बेल्ट में थोड़ा कम कलेक्शंस हुई थी, लेकिन उस टारगेट को भी हमने अचीव किया है और इंशाल्लाह इसको हम पूरा जो टारगेट मिनिस्ट्री का दिया हुआ है, हमारे जितने भी पार्टनर एजेंसीज हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नेहरू युवा केंद्र का काम नहीं है, ये जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, चाहे हमारे प्रेस भाई हैं, चाहे NGOs हैं, चाहे यूथ क्लब हैं, देश की सफाई और अपनी इन्वायरमेंट का और अपने आने वाली जनरेशन का हम सबको इसमें ध्यान रखना है। और हमें जो टारगेट है India@2047 हमारी जो 100वीं सालगिरह होगी आज़ादी की, उसमें हमारा भारत कैसा होना चाहिए, ये लक्ष्य हमारा है ताकि हम इसको साफ़ सुथरा और क्लीन रखें, ये सबकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन इसमें काफ़ी स्टेट्स ने बैन भी लगाई हुई है, आप जाएं शायद आप माता वैष्णो देवी का जो रूट पूरे ट्रैक है वहाँ पे सख्ती से इसमें अमल किया जाएगा, कहीं भी आपको सिंगल प्लास्टिक यूज़ नहीं मिलेगा। और ये सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है और हमने सिविल सोसाइटी में जो हम इस माशरे में रहते हैं लोग, हम भी बायकॉट करना चाहिए। अगर हमें कोई सब्ज़ी प्लास्टिक में देता है तो हमें इसको लेना नहीं चाहिए, हमें इसको चाहे हाथ में, कई लोगों ने सोसाइटी ने सोशल जो भी सोशल समाजी सेवा जितनी संस्थाएं हैं उन्होंने कई लोगों ने कहा कि जो भी दुकानदार या जो भी शॉपकीपर हमें प्लास्टिक में कोई चीज़ देता है तो हम उसको नहीं लेंगे, तो हमने भी कहीं ना कहीं हमें भी आगे आना चाहिए सुसर, क्योंकि ये सरकार जो है वो कहाँ तक पहुँची, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ, जैसे हमें तो हमारा एरिया टोपोग्राफी ऐसी है कि फार फ्लंग एरियाज़ हैं,
पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे सरकार का नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पहुँच सकता, वहाँ लोगों को आगे आना चाहिए कि हम जितने भी प्लास्टिक हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो उसका सोशली बायकॉट करें, उसके ले ही नहीं। सब्ज़ी वाला अगर सब्ज़ी देता हम पकड़े ही नहीं, कपड़े वाला अगर उसमें देता है तो हम ले ही नहीं उसमें। और कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री से हमें इंस्ट्रक्शन थी कि जो भी ये प्लास्टिक्स वगैरह जो भी जिन्होंने इनका फैलाव किया हुआ है हम उनको भी इन्वॉल्व करें ताकि उनको एहसास हो कि ये जो आलूदगी फैलाते हैं समाज में सोसाइटी में तो उनको ये इसके बाद का एहसास हो कि इसको इसका वो खुद ही अपने आप से ही इनको एक अवेयरनेस आ जाए कि हम इसका कम से कम नहीं बिल्कुल माइनस में इसका यूज़ करें। टूरिज्म डिपार्टमेंट का जहाँ तक तल्लुक है कि यहाँ जैसे आप जानते हैं कि कश्मीर खासकर एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ से देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन विदेश में एक कंसेप्ट है कि वो कम आलूदगी और ये प्लास्टिक यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे देश का सवाल है कि जहाँ भी उनको लगा कोई भी जगह मिली चाहे वो टूरिस्ट प्लेस हो या ना टूरिस्ट है वहाँ फैलाते हैं, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स की या हमारे सोसाइटी की ये कोशिश होती है कि वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस में जैसे मैंने आपको चार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है कि हर हम चीज़ को कवर करते हैं कि जहाँ जहाँ पे प्लास्टिक कलेक्शन ज़्यादा होती है जब यहाँ पे इनका ज़्यादा ये रहता है तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे। लेकिन टूरिस्ट का भी एक उन्होंने बोर्ड लगाए हैं काफ़ी सिंगल प्लास्टिक बैन है, इसमें इतना फाइन होना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट भी हो उसको भी आगे आना चाहिए और उसको भी अपने ऑफिशियल को एक स्ट्रिक्ट ये करना चाहिए कि जो भी यहाँ जो भी बना इसमें ये फैलाता है उनके खिलाफ या उनको एक खिलाफ नहीं मैं कह सकता हूँ कि उनको एक अवेयरनेस दें, उनको एक ये बता दें कि इससे हमारे आने वाली जनरेशन में आलूदगी में पोल्यूशन में जितना भी हम कितना नुकसान हो गया आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो इससे हम यही है कि हमारा देश हमें जैसे आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और न्यूजीलैंड में अगर कोई ऐसा हो तो उनको कितना फाइन होता है, तो और आप कहीं नहीं देखेंगे कि वहाँ कोई प्लास्टिक बैग ऐसा सिंगल प्लास्टिक यूज बैग्स और ऐसी आलूदगी फैली हुई है जिससे इन्वायरमेंट में या हमारे आने वाली जनरेशन्स को नुकसान हो। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि आज़ादी का अमृत महोत्सव लास्ट ईयर से हम मना रहे हैं और ये इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 सौवीं जब हमारी आज़ादी की 100 बरसी होगी तो हमारा भी और सिविल सोसाइटी का भी और हमारे जितने भी पार्टनर एजेंसीज हैं उनका यही लक्ष्य होगा कि हम इस देश को पूरे देश को या इस प्रदेश को या हमारे डिस्ट्रिक्ट को इस प्लास्टिक से मुक्त कराएं।